एवरीवन, दिस इज दिव्या। वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गोल्स। हम लोग आज रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक देख रहे हैं। इसमें हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे। आई है इसके पहले प्रीवियस लेक्चर्स में रेशियो प्रोपोर्शन के हमने कॉन्सेप्ट्स देखे और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देखे। वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन सो दैट आपके लिए एग्जाम में कुछ भी सरप्राइजिंग ना हो और आपको सारे क्वेश्चन के टाइप्स आते रहे और प्रैक्टिस में भी आपको समझे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो डायरेक्टली मूव ऑन टू द क्वेश्चन। The ratio of income of A and B is 3:4. If the ratio of their expenditure is 2:3 and each save rupees 200, find the income of A and B. ये एक concept पे based है। सबसे पहली चीज, for example, अगर A है, ठीक है, A कोई इंसान है या X कोई इंसान है, ठीक है, X कोई इंसान है, if he is doing a job, ठीक है, वो job कर रहा है तो उसे कोई salary मिल रही है, तो सैलरी उसकी इनकम हो गई है, ठीक है। वैसे ही उसके जो एक्सपेंसेस है, मतलब लाइक ही इज कैरिंग आउट का एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हिज एक्सपेंसेस आर फूड, रेंट, बिल, मोबाइल बिल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे उसके एक्सपेंसेस हो गए, यू कैन कॉल इट एज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी इनकम है 2000 रुपीज और उसके एक्सपेंसेस है 1000 रुपीज, तो जो 2000 ये उसकी इनकम हो गई, कमाई हो गई, उसमें से उसका एक्सपेंडिचर हो गया 1000 रुपए, तो उसके 1000 रुपए जो है ये उसकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है, ये उसकी सेविंग हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। सबसे पहली चीज तो हमको समझने की जरूरत है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है। इनकम में से एक्सपेंडिचर, मतलब एक कोई इनकम आ गई आपके पास, उसमें से आपने खर्चा कर दिया, जो कुछ भी बचा वो आपकी सेविंग हो गई। ये एक पहला कंसेप्ट है। और दूसरा कंसेप्ट, इसको इन्वर्स कर देंगे तो इनकम में से आपने सेविंग्स निकाल दी तो एक्सपेंडिचर, ये कि हालांकि कोई करता है नहीं, सबसे पहले एक्सपेंडिचर हम लोग निकालते, खर्चे कर लेते, बाद में बचा हुआ पैसा सेव करते हैं। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पॉलिसी है, आपका कोई फिक्स रिकरिंग डिपॉजिट है जिसमें आपको हर महीने में पैसे भरने पड़ते हैं, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज सेविंग्स, ठीक है। तो आप पहले सेविंग निकालते हो, ऐसे हम पकड़ लेंगे, आप पहले इनकम अगर 2000 कमाते हो उसमें से आप 1000 पहले ही सेव कर लेते हो और फिर बचा हुआ पैसा आप एक्सपेंस करते हो और फिर और कुछ बच गया तो वो सेव करते हो, ठीक है। तो आप सेविंग पहले करते हो, बाद में आपका एक्सपेंस आता है, तो ये सेकेंड पार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन में हमको ये सेकेंड पार्ट की जरूरत है। तो कैसे हम देखेंगे कि इनकम का दो लोग है, ए और बी, ठीक है, ए और बी ये दो दोस्त है। इनका इनकम कौन से रेशियो में, 3:4 में इनका इनकम है और इनका एक्सपेंडिचर कौन से रेशियो में है, एक्सपेंडिचर इनका 2:3 रेशियो में। इनका सेविंग कितना है, रेशियो नहीं दिया है, इक्वल है, रेशियो 1:1 है, 200 रुपए ये लोग सेव करते हैं। तो हम लोग दूसरा कंसेप्ट पहले यूज करेंगे, देखते कैसे। ए अपॉन बी को लेंगे क्योंकि इनका रेशियो में सब कुछ दिया है। तो इनकम इनका कितना है, 3:4, मतलब 3x और 4x ऐसा अज्यूम करेंगे, 3x और 4x, इसमें से ये लोग 200-200 सेव करते हैं, ठीक है। इनकम 3x है, इसमें से ए 200 सेव करता है, 4x बी की इनकम है उसमें से वो 200 सेव करता है, और जो एक्सपेंडिचर है बचा हुआ क्या है, इनकम में से सेविंग निकाल दी तो एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बनता है इनका, 2:3 बनता है। अभी ये जो कंसेप्ट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, 3x-200 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2 4x-200, इसको सॉल्व करेंगे 9x-600 इज इक्वल टू 8x-400, क्या आएगा, 600 इस साइड चल जाएगा, x इज इक्वल टू 200, x is 200, x की वैल्यू 200 है। अभी हमको पूछा है कि फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की इनकम कितनी है, इतनी रेशियो में इनकी इनकम थी, ये हमने इनकम अज्यूम की, मतलब 3x और 4x इनकी इनकम हो गया, x की वैल्यू है 200, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 3x के हिसाब से, 3 × 200 दैट इज 600 ए की इनकम हो गई, और बी की इनकम हो जाएगी 4 × 200 दैट इज 800 बी की इनकम हो जाएगी। तो इतना सिंपल है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आपको पहले एक्सपेंडिचर देता है कि वो लोग दोनों 200-200 रुपए या फिर 500-500 रुपए एक्सपेंडिचर करते, तो आप पहले एक्सपेंडिचर लेंगे और सेविंग का फिर
रेशियो लेंगे, जैसे लेंगे उसके हिसाब से आपको आपका कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ रिवर्स करना एक ही कंसेप्ट है, एक खर्चा में आपकी कमाई में से आप जितना खर्चा करते हो बचा हुआ आपका सेविंग होता है, या फिर आप जितना कमाते हो उसमें से सेव करते हो बचा हुआ आपका एक्सपेंडिचर है, इन दोनों का टोटल। या फिर और एक हो सकता है, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, ठीक है, ये तीसरा कंसेप्ट हो गया। तो यही तीनों के बीच में पूरा खेल है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको यही सब ध्यान रखना है। बहुत छोटा क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर सकेंगे, इससे आपको तुरंत एक मार्क मिल जाएगा, इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप ज्यादा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग स्कोर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और इसके अदर पार्ट्स देखने के लिए आप बैंकिंग गुरुज चैनल यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है बैंकिंग गुरुज 2020। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोज मिल जाएंगे और सारे टॉपिक्स, और इसके भी सारे पार्ट्स मिल जाएंगे।